सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज जो है हम लोग जा रहे हैं प्रियांशु भैया के घर, क्योंकि उनकी मम्मी ने जो है मुझे लंच पे इनवाइट किया है। तो बिना को टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बात वीडियो में करते हैं। अंकल जी पूरा फॉर्म में, गाड़ी उड़ाते हुए धंधनाते हुए एकदम। पर हम लोग जाएंगे एकदम आराम आराम से, क्योंकि हम लोग कोई जल्दी नहीं है। बहुत मस्त हवा चल रहा है गाइस, भले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन हवा इतना मस्त चल रहा है कि गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग 50 के स्पीड में चल रहे हैं। और देखिए गाइस, यहाँ पर भी जो है 8 लेन का काम चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है अभी 1-2 साल और लग जाएगा 8 लेन बनते बनते, क्योंकि काम तो हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। मतलब जल्दी जल्दी काम होता तो अच्छा भी लगता। मेरे को तो लग रहा है कि मेरा YouTube चैनल ग्रो होते होते ही रोड बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात है गाइस, अगर ये रोड बन जाएगा तो क्या ही मस्त जगह हो जाएगा गाइस ये, क्योंकि आप सोच सकते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक रोड। भाई साहब, भले ही हम लोग एक पर्टिकुलर लेन में ही चलेंगे, लेकिन फिर भी कितना मस्त लगेगा देखने में गाइस। और सब लोग आज पता नहीं क्यों इतना जल्दी में हैं, ना हॉर्न दे रहे हैं ओवरटेक करते समय, ना कुछ। हाँ, कोई बात नहीं। और गाइस ये देखिए क्या मस्त रास्ता है ये, यहाँ थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। मस्त भाई साहब, ऐसा ही रोड बनेगा गाइस, सोच रहे हैं पूरा 8 लेन बनेगा कहाँ तक एकदम। भाई साहब मज़ा आ जाएगा गाइस एकदम। लेकिन अच्छा, और गाइस अभी जो हम लोग जा रहे हैं प्रियांशु भैया के घर, उनसे हमारा एक अलग ही रिश्ता है, बिल्कुल भाई जैसा। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हम तो अच्छे इंसान हैं ही। अभी यहाँ पर जो है थोड़ा पुल जैसा ढला रहा है, क्योंकि नीचे से जो है पानी गुजरता है। यहाँ पर छोटा पुल यहाँ पहले था, लेकिन उसी को बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि 8 लेन बनेगा तो थोड़ा बड़ा पुल होना चाहिए। और आज जा रहे हैं प्रियांशु भैया के घर, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है आज के व्लॉग में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए। और अब बस पहुँच ही गए झारखंड मोड़ हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग भुल्ली जा रहे हैं, तो झारखंड मोड़ पे मैं व्लॉग बंद कर दूंगा, क्योंकि प्रियांशु भैया भी अपने दोस्त हैं, उनका घर रिवील करके उनको मुझे तंग नहीं करना है। तो अब सीधा मिलेंगे उनके घर में, ठीक है गाइस। तो फाइनली हम लोग झारखंड मोड़ पहुंच चुके हैं और अब मिलते हैं उनके घर पे। बाय बाय। सो गाइस, हियर वी गॉट चिली चिकन एंड चाउमीन, जो कि हमारी स्वीट सी आंटी ने बनाया है हमारे लिए। और वैसे तो ये KFC से आया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मजाक कर रहे गाइस, ये जो है प्रियांशु की मम्मी ने बनाया है स्पेशली हमारे लिए। और प्रियांशु भैया अभी नहा रहे थे इसलिए हम लोग मिला नहीं पाए, एक मिनट मिला देते हैं। से हाय टू ब्लॉग प्रियांशु भैया। हाय। ठीक है गाइस, अब जो है खाते हैं और फिर ब्लॉग एंड करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेट। सो गाइस, अभी जा रहे हैं हम लोग प्रियांशु भैया के साथ दूध लाने, और खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। और आंटी को थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी खाना बनाए थे। और प्रियांशु भैया हाय कर दो व्लॉग में। हाय हाय। हाय हाय गाइस। तो गाइस अब जा रहे हैं दूध लाने, अब जब दूध ले लेंगे या फिर जब पहुंच जाएंगे तब आपको दिखाते हैं।
आप लोग वीडियो कंटिन्यू रखिए और देखिए आज की वीडियो में क्या क्या होता है। ओके सो गाइस, जैसे कि लोग देख सकते हैं प्रियांशु भी आज एकदम वीआईपी वाला जगह से दूध लेते हैं और अब जा रहे हैं हम लोग दूध लाने। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का नाम है जय श्री कृष्णा डेयरी, बड़ा मस्त लग रहा है देखने में, स्पेशली फॉर दूध। अब चलते हैं अंदर, दूध लेते हैं और फिर वापस घर चलते हैं। सो गाइस, अभी जो है हम लोग कोई गली टाइप जगह से जा रहे हैं जो कि देखने पूरा गांव जैसा लग रहा है। जैसे कि पीछे आप लोग देख सकते हैं पूरा मस्त गांव वाला फीलिंग आ रहा है और मैं अभी गोरा आ रहा हूँ। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहन लो, रहन लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तालाब दिखा दो। चलिए अब आपको थोड़ा सा तालाब दिखाते हैं। कहाँ है तालाब? आगे सूख गया पानी के, देखते हैं पानी रहेगा तो दिखाएंगे, गाइस नहीं रहेगा पानी तो चलते बनेंगे। आगे का तालाब का सीन दिखा, हनुमान मंदिर दिखा, वो ये मंदिर गंगा मई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे साथ आप लाइव लोकेशन का मजा लीजिए। ये रहा तालाब, अभी गाइस सूख गया, थोड़ा सूख गया, बहुत पानी है इसमें, हल्का पीछे होके नहीं तो चल जाइएगा थोड़ा आने के लिए। इसमें कोई गलती से गिर गया, जंपिंग जपक जंपक जंप तो हो जाएगा उसका मस्त, स्विमिंग पूल वाला। देखो मास्क फेंक दिया, मास्क तालाब में मास्क फेंका हुआ है, मछली उछली भी पूरा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ना ना ना, छठ पूजा होता है यहाँ नहीं। हाँ सॉरी, इस तरफ हुआ था लेकिन थोड़ा लंबा है अभी, लेकिन जहाँ पानी रहेगा वहीं पे पूजा होता है। ये काहे डाला है पता है बोरा, पानी पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होने के लिए। और वहाँ है हनुमान जी का मंदिर जी, देखिए लाइव लोकेशन पर। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।